नमस्कार। लाइफ के ये पांच बेसिक रूल्स हर युवा को जानना जरूरी है, हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। अगर आपने इसमें कंसिस्टेंसी रख ली, अगर इसमें आपने रेगुलरिटी रख ली कार्य करने की, रेगुलरिटी रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन एनी फील्ड, अगर इसमें ये आपने रख लिया तो आप लाइफ में कभी रुकोगे नहीं। लाइफ में कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप उन मुश्किलों को पार कर जाओगे। ये फाइव बेसिक रूल्स हर इंसान के जीवन को प्रबंधन अच्छा बनाते, हर इंसान की लाइफ का मैनेजमेंट अच्छा करते। ये फाइव बेसिक रूल्स क्या हैं जो हर किसी को जानने चाहिए, देखिए। नंबर वन, अच्छे सर्कल में रहें, अच्छी चीजें सीखें, सर्कल अच्छा बनाए, अपना सर्कल बढ़ाए, अपने यार दोस्त रिश्तेदार सब जगह अपना सर्कल बनाए। लेकिन सर्कल कैसा होना चाहिए? गुड नॉट बैड। सर्कल अच्छा होगा तो आपको हर चीज पॉजिटिव मिलेगी। यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर सर्कल। अगर आपका सर्कल मौज मस्ती टाइम वेस्ट करने वाला और आराम से जीने वाला और नेगेटिव विचारों से भरा हुआ आपका सर्कल, आपके दोस्त सब आसपास, तो आप क्या नया सीखोगे? आप लाइफ में क्या नया अचीवमेंट करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सर्कल बनाए, अच्छा सर्कल बनाए और अच्छी चीजें सीखे। रोज आप एक कंसिस्टेंसी, एक नियम बना लेंगे, मुझे रोज कुछ न कुछ नया सीखना है, चाहे उसके लिए 5 मिनट लगे या चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन मुझे रोज कुछ न कुछ नया सीखना है। लाइफ में एक नियम बना ले कि मुझे रोज कुछ न कुछ नया सीखना है, चाहे 5 मिनट सीखना है या चाहे 1 घंटा सीखना, लेकिन मुझे सीखना है नया। अगर आप रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहे कंटिन्यूसली रेगुलरली, तो कुछ न कुछ नया सीखना आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देकर जाएगा। लाइफ में कभी सीखना बंद मत करना। जिस दिन सीखना बंद किया उस दिन आपकी लाइफ स्टॉप हुई। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रबंधन रखना है कि सर्कल अच्छा बनाए। जब सर्कल अच्छा होगा तभी आप कुछ नया सीख पाओगे, वरना तो क्या है, लोग यार मस्ती मौज मस्ती कर रहे हैं, आप क्या सीखोगे? सर्कल अच्छा बनाए और रोज अच्छी चीजें सीखे। सेकंड, दिखावे से बचें और अपनी आमदनी से कम खर्चा करें। आप युवा हो, आप क्या चाहते हो? मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, आईफोन हो, व्हाट इज दिस? दिखावा मत करना, दिखावे से बचना, अपनी आमदनी से कम खर्चा करना। आप अगर अपनी आमदनी होगी कम और दिखावा करने के चक्कर में आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे, तरह तरह के लोन लोगे, तो फिर आपकी लाइफ का सही तरह से मैनेजमेंट कैसे होगा? आपकी लाइफ तो डावाडोल हो जाएगी। और जब एक बार लाइफ डावाडोल हुई है, याद रखना, मैं आपको आज श्योरिटी और आज बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं, जब लाइफ रेगुलर चलती रहती है ना, एक बार जस्ट वन टाइम अगर आपकी लाइफ डामाडोल हो गई ना, ध्यान रखना, फिर वापिस उसको सही ट्रैक पर लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उसको ट्रैक पर लाने वाला बहुत कम इंसान होते हैं जो वापिस उसको ट्रैक पर ला पाते हैं अपनी मेहनत जोश और जुनून के बदले। लेकिन बहुत से लोग तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और बस हार मान के बैठ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि दिखावे से बचना, ये दिखावे की दुनिया है, दिखावा कभी मत करना। अपनी जितनी आमदनी हो उससे कम खर्चा करना। आमदनी से ज्यादा खर्चा कर लिया तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, कल कर्जे इतने हो जाएंगे कि आप उनको चुका नहीं पाओगे, और चुका नहीं पाओगे तो पूरे समाज में यार दोस्तों में आपका क्या होगा, आपकी डिफेमेशन, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर आप किस चीज का दिखावा करोगे, क्या दिखावा करोगे? फिर आपको पता चलेगा फ्यूचर में, अरे यार मैं दिखावा नहीं करता, मैं अपनी आमदनी से, मैं अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। थर्ड, अपना लक्ष्य तय करें और समय की इज्जत करें। लाइफ का सही मैनेजमेंट रखना है ना, तो अपना लक्ष्य तय करना, शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य तय करना, फिर बड़े लक्ष्य तय करना, और हर लक्ष्य का अचीवमेंट करते जाना, और समय की इज्जत करना। यह नहीं कि टाइम वेस्ट करना है, आराम से एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप युवा हो,
इस एज में आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा जोश होता है, एक्स्ट्रा जुनून होता है, एक्स्ट्रा पावर होता है। इस टाइम अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या, जब आप बुढ़े हो जाओगे तब करोगे? अपना लक्ष्य अचीव करना है, लक्ष्य तय करना है, तो आपको युवा की एज में लक्ष्य तय करना होगा और उसे अचीव करना होगा। और युवाओं की एज में ही समय की इज्जत करनी होगी। मौज मस्ती के दिन युवा के होते हैं। आप सोचोगे सर युवा हैं और हम अभी मौज मस्ती नहीं करेंगे, कब करेंगे? लेकिन ध्यान रखना, अभी जो आपके पास पावर है, अभी जो आपके पास एनर्जी है, अभी जो आपके पास शक्ति है, वो शक्ति अपना एम पाने में लगाओ, न कि टाइम पास करने में। समय की इज्जत करना, और अभी अगर आपने अपना लक्ष्य पाने में मेहनत करनी शुरू कर दी ना, तो एक दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य दूर नहीं रहोगे, उसे पालोगे। फोर्थ, रिस्क लें। आप युवा हो, रिस्क लेना, लेकिन एक बात याद रखना, रिस्क लेना उतनी ही जितनी आप सहन कर सको, बियर कर सको। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आपने रिस्क ले ली बड़ी, आपके पास में बैक सपोर्ट नहीं है, और फिर आप मान लो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, मान लो आपका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपको सपोर्ट कौन देगा? फिर आपको आपके पीछे कौन खड़ा रहेगा? युवा हो आप, रिस्क लेना, लेकिन रिस्क उतनी ही लेना जितनी आप सहन कर सको। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी हो और सोचना कि मैं रिस्क उठा रहा हूं इसकी, और अगर इस मनी का कुछ भी हो जाए तो भी मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे रिस्क लेना। आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और 1,00,000 रुपए की ही आप रिस्क उठा रहे हो, तो आपके पीछे क्या बचेगा? आपके पीछे तो शून्य बच जाएगा, आप जीरो हो जाओगे, आप तो रोड पे आ जाओगे ना। रिस्क लेना, आप युवा हो, रिस्क लेना, लेकिन रिस्क उतनी ही लेना जितनी आप सहन कर सको। फिफ्थ, विनम्र रहें और ईमानदार रहें। ध्यान रखना, विनम्रता इंसान का गहना होता है। आप हर चीज में विनम्र रहोगे ना, झुकना सीखोगे ना, आप कभी मात नहीं कहोगे। जब इंसान विनम्र रहता है, जब इंसान झुक कर रहता है ना, तो अच्छे अच्छे कार्य करवा लेता। आप युवा हो, ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी होती है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, ईमानदार रहोगे, तो हर कोई आपके साथ में लगना चाहेगा, हर कोई आपके साथ में जुड़ना चाहेगा। विनम्रता और ईमानदारी, ये दो ऐसी चीजें हैं कि हर इंसान उसको पसंद करता है। आप में विनम्रता होगी, आप में ईमानदारी होगी, हर कोई आपके साथ में जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपके साथ में चलना चाहेगा। तो आपकी लाइफ के ये 5 बेसिक रूल्स जो आपकी लाइफ का सही प्रबंधन करते हैं, आपकी लाइफ का सही मैनेजमेंट करते हैं। ये 5 रूल्स, बेसिक रूल्स कभी मत भूलना, इनको हमेशा अपने साथ में रखना और हमेशा कंसिस्टेंसी में इनको साथ में चलाए रखना। आपकी मुश्किलें कभी भी आपके सामने ज्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, आपकी मुश्किलों को आप तुरंत पार कर लोगे इन 5 बेसिक रूल्स से।